अगर अपना दल्ला प्लैंडमिक ट्रीटी साइन करता है तो गए अपन काम से, क्योंकि ये लोग डिसाइड करेंगे, ये लोग साइंस का किताब लिखेंगे और उसमें लिखेंगे कि ये वीरु रहता है, ये रहता है, इसलिए पानी में ये डालना चाहिए, क्लोराइड, क्लोरीन, दुनिया भर के केमिकल्स, ताकि पानी साफ हो। फिर ये लोग लिखेंगे कि जो चावल है उसमें ये पेस्टिसाइड डालना चाहिए, वो पेस्टिसाइड डालना चाहिए, ताकि गेहूँ मतलब फूड सड़े ना, कीड़ा खाए ना। तो पूरी तरह से एक टॉर्चर चालू हो जाएगा अपने पे। एक्चुअली इतना बड़ा गेम खेला जा रहा है एंड पीपल आर नॉट इवन अवेयर ऑफ इट। 80-90% पीपल आर सिंपली डोंट केयर एंड सिंपली नॉट अवेयर ऑफ इट। ये पॉलिसीज बन रहे हैं, नियम बन रहे हैं, तुम्हारे हेल्थ के साथ मजाक चल रहा है। और ऐसा नहीं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं, इसके हेवी कॉन्सिक्वेंसेस है। अगर कोई बीमार पड़ता है तो कॉन्सिक्वेंसेस है ही उसमें। एक तो खर्चा चालू रहता है, प्रोडक्टिविटी खत्म होती है, और मतलब लाइफ इज अ लिविंग हेल इफ यू आर ए सिक। और इसका मास्टर प्लान बनेगा और वो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट होगा और कोई विरोध नहीं कर रहा है। अपने जैसे गधे लोग हैं जो YouTube वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी सीरियस मामला है, इसमें वीडियो बनाना ही पड़ेगा। भले थोड़ा बहुत रिस्क रहता है कि मिस इन्फॉर्मेशन फैला है इसलिए अंदर डालने का, वो रिस्क रहता ही है, जानकार रिस्क वैसे भी है, ऐसा भी है, लेकिन कोई विरोध नहीं करेगा और ऐसा ही ये सब चलने देगा। और मुझे लगता है अपना दल्ला वो साइन करेगा, क्योंकि दल्ला वो 5 पैसे का है और उसको चुना उसके लिए ही गया था कि ये सब, ये काफ़ी पुराना प्लान है जो इम्प्लीमेंट हो रहा है। अभी ये लोग ने एक्ट हटा दिया, वो अच्छा कर रहे हैं कि कुछ और इससे ज़्यादा बुरा लेके आने वाले हैं, दैट इज़ ऑल्सो डाउटफुल। और जो शब्दावली रहती है ये लोग की, इतनी कंफ्यूजिंग रहती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग नहीं बताते ऐसा, ये हटा दिया पर ये है वो है, तो ऐसा गिनना पड़ेगा अभी क्या हटा दिया क्या रखा है। लेकिन अगर ट्रीटी साइन करता है अपना दल्ला तो गए अपन काम से, इंडिया में रहना इम्पॉसिबल हो जाएगा। जो मैंने ज़मीन ली है उसको तो बेचना पड़ेगा और रशिया भागना पड़ेगा। चल रशिया का पुतिन भी ऐसा रहेगा, बट इधर तो इसने तो खुला अपने को बेच दिया, अपना बॉडी बेच दिया दल्ले ने, सबका घर का एड्रेस दे दिया डीप स्टेट को, और आर्मी ने आर्मी ऑफिसर्स उनका आधार कार्ड के साथ टोकन दिया कि ऐसा ही दिया। अगर आधार कार्ड अटैच करके उसको टोकन दिया हर एक सोल्जर को, तो हर एक सोल्जर का घर का पता डीप स्टेट को दे दिया, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया हर एक सोल्जर का पता। दिस इज ए नेशनल सिक्योरिटी रिस्क, हर एक सोल्जर का, हर एक इम्पोर्टेंट आदमी जो इंडिया के लिए है, अगर उसके साथ आधार कार्ड अटैच किया तो उसका घर का एड्रेस, उसका टोटल आइडेंटिटी दे दिया, तो ये नेशनल सिक्योरिटी रिस्क भी है।